मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एनेक्सी सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत प्रदेश के 3,42,322 लाभार्थियों को 2,409 करोड़ रुपए का ऑनलाइन हस्तांतरण किया तथा प्रदेश के 5 जनपदों वाराणसी, मथुरा, गाजियाबाद, अयोध्या और सहारनपुर के 2-2 लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए उनके मकान निर्माण की स्थिति, बच्चों की पढ़ाई के बारे में जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री द्वारा संचालित किया गया है और सभी गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से पहली बार इस आवास योजना का लाभ शहरी क्षेत्र के गरीबों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि धनराशि का उपयोग मकान बनाने में ही करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने लाभार्थी महिलाओं से कहा कि वे महिला आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़कर स्वावलंबन की ओर अग्रसर हों। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत जनपद गोरखपुर के 10 लाभार्थियों प्रभावती देवी, गिरजावती देवी, पूनम चौहान, रिंकी, मंजू देवी, सविता चौहान, मीनू सोनकर, प्रीति चौहान, खुशबू निशा और सल्तनत को मकान की चाबी प्रदान की। इस अवसर पर योजना से संबंधित सूडा द्वारा बनाई गई फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान के नारों को हकीकत में बदलने का कार्य वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हर व्यक्ति को मकान, आजीविका और रोटी की गारंटी केंद्र प्रदेश सरकार प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लगभग 1,24,782 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 69,732 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त तथा 1,47,751 को तृतीय किस्त प्रदान किया गया। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के लिए 2.5 लाख रुपए आवास निर्माण हेतु प्रदान किया जाता है। उन्होंने पात्रता के संबंध में बताया कि लाभार्थी की सालाना आय 3 लाख से कम हो और अपनी जमीन हो, वही इसके पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत के अग्रणी राज्यों में है, जहां हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन में भी उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उत्तर प्रदेश को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली नगर पालिका परिषद की श्रेणी में मिर्जापुर नगर पालिका परिषद को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक में स्वीकृत आवासों के सापेक्ष 9,27,781 आवासों पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसमें 5,67,116 आवास पूर्ण हो चुके हैं। प्रदेश सरकार वर्ष 2022 तक प्रदेश के सभी पात्र लाभार्थियों को पक्का आवास प्रदान करके प्रधानमंत्री की परिकल्पना सबके लिए आवास को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना को समयावधि में घरों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाभार्थियों के अंदर मकान पाकर उनके चेहरे पर खुशी झलक रही है। सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबों को लाभान्वित कर रही है। यह सब उपलब्धियां प्रदेश के अंदर टीम वर्क का परिणाम है। उन्होंने कहा, लाभार्थियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कहा कि जिन लाभार्थियों को जिस मद में धनराशि दी जा रही है, उस धनराशि का प्रयोग उसी कार्य पर हो और नोडल अधिकारी नामित करते हुए सहज एवं सस्ते दर पर भवन सामग्री लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाए तथा कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा की जाए। समयबद्ध ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। कार्य रुकना नहीं चाहिए। धनराशि की कमी नहीं होगी। हर एक आवास के साथ शौचालय का निर्माण भी हो रहा है। शौचालय केवल स्वच्छता का ही नहीं बल्कि नारी गरिमा की भी पहचान है। आज हर गरीब नागरिक केंद्र प्रदेश सरकार की योजना से जुड़कर लाभान्वित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से कहा कि वे अपने घरों पर सहजन का पेड़ लगाएं और स्वावलंबन के दृष्टिगत स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर अपने परिवार का उत्थान करें। सभी लाभार्थी परक योजना का लाभ गरीबों को प्राप्त हो, इसके लिए ईमानदारी के साथ लाभार्थी का चयन किया जाए। जब सभी लोग सकारात्मक रूप से कार्य करेंगे तो विकास को गति मिलेगी और सशक्त भारत का निर्माण होगा। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, विपिन सिंह, शीतल पांडे, महेंद्र पाल सिंह, संगीता यादव, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, निदेशक सूडा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
देने के जन्म देने के जन्म लाभार्थियों को प्रथम द्वितीय तृतीय किस्त के रूप में 2409 करोड़ रुपए की धनराशि सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हस्तांतरित की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उत्तर प्रदेश में योजना के समस्त घटकों में लगभग 17 लाख आवासों की स्वीकृति प्राप्त की है, जिसमें 6,46,000 आवास पूर्ण हो चुके हैं। VLC घटक में स्वीकृत आवासों के सापेक्ष कुल 9,27,781 आवासों पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसमें से 5,67,116 आवास पूर्ण हो चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक 7,43,014 लाभार्थियों को प्रथम द्वितीय तृतीय किस्त के रूप में कुल 14,388 करोड़ रुपए की धनराशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को अवमुक्त की गई। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश को 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो ध्येय है कि 2022 तक सबको आवास मिल जाए, हमारे मुख्यमंत्री जी के सतत मार्गदर्शन और समीक्षा और प्रयासों से हम उस अचीवमेंट को हासिल करेंगे। मैं इस अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप सबका नरेंद्र मोदी जी की जय रहे तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी
प्रधानमंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश को मिला देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में। खाते में जा रहा है 50,000 मिलेगा।
धन्यवाद सर आपको। बिहार ने अपना घर बना लिया है। बन गया है। बन गया है। उसमें रह भी रहे हैं वो। पैसे नहीं रहे सर ये। मैं आप उस घर में अभी रहने के लिए गए। मेहमान भी आने जाने लगे और बच्चे और मैं मेरे पति गए सब लोग घर में रहते हैं। पहले घर मेरा वैसा था नहीं तो मतलब कुछ था जर्जर था और मेरा घर पर गया था तो मुझे अच्छा फील होता है, अच्छा महसूस होता है। मेहमान भी आने जाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। मंत्री जी को नहीं बुलाया आपने घर में कभी? मंत्री जी आपके सामने बैठे हैं ना। नहीं तो आप जब पहले मंत्री जी को बुलाइए तो हम लोग भी आएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको, आपको अच्छा घर आपने बना दिया है। आपके जो आपने जो पैसा दिया होगा सारे पैसे की भरपाई आपकी हो जाएगी। 50,000 की राशि जो अवशेष थी वो आज आपके खाते में जा रही है। आपको और आपके परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। वाराणसी से ही है श्रीमती सविता देवी। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप सविता जी? आप घर बन गया आपका? अब घर बन गया है। आपने घर अपना बना लिया है? कितना पैसा मिला आपको? पैसा 2 लाख रुपया मिला है। 50,000 रुपया जो बाकी था वो आज जा रहा है आपके खाते में। ठीक से बोलिए। कौन कौन लोग हैं आपके? अच्छा नहीं आ रहा सर। दोनों लोग मिल करके कार्य करेंगे तो पूरा परिवार आपका खुशहाल हो जाएगा। बच्चों को पढ़ाइए, इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई है। अन्य जितने भी ऐसे गरीब होंगे जिनके पास अपना आवास नहीं होगा और लोगों को भी अगर आप प्रेरित करेंगे तो अन्य गरीबों को भी मकान मिल जाएगा, ठीक है ना? चलिए बहुत बहुत बधाई आपको और आपके परिवार के लोगों को जिन्हें आवास की सुविधा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिली है और आज ये अंतिम किस्त भी 50,000 रुपए की आपके खाते में जा रही है। सुंदर ढंग से अपना घर बनाइए और पूरे परिवार के साथ सुरक्षित ढंग से रहिए। जिला मथुरा आपका मकान बन गया?
पढ़ाइए पढ़ाइए बाकी और कोई बात हो आपको अन्य कोई सुविधा मिली राशन कार्ड की आयुष्मान भारत में जो 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की का कवर होता है उसमें भी आपको आप दे सकते हैं और भी अन्य जो सुविधा होगी उनका भी लाभ लेना चाहिए। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको आपके परिवार के लोगों को जो इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। वहीं पे श्रीमती लता शर्मा जी हैं मथुरा में है लता जी को वहाँ कहाँ है। अगली लाभार्थी सर। हाँ राधे राधे सर जी राधे राधे गलती हो गई मैंने गलती नहीं हुई है। आप बताइए आपका मकान बन गया है। हाँ सर बन गया मेरा मकान तो कमरे बन गए बेडरूम बाथरूम हाँ तो 1,00,000 आ गया है। 50,000 रुपये आ जा रहा है तो जो मकान उधरा है या जो आपने उधार में सामान लिए होंगे उसका पूरा भुगतान करके मकान पूरा ठीक ढंग से बनवा देना है। परिवार में और कौन कौन लोग हैं? तीन बेटे हैं दो बेटी है और सब के पति हैं और खुद हम ठीक है। पति क्या करते हैं आपके? रिफाइनरी में करते हैं मतलब ठेकेदार के पेश में। परिवार के बच्चों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना स्कूल? पढ़ रहे हैं सर। ठीक है बहुत सुंदर। आप ही महिला स्वयं सेवी समूह के साथ जुड़कर के कार्य कर सकती हैं। सारी आजीविका मिशन से जुड़ी हुई जो महिलाएं होंगी उनके साथ बातचीत करके बहुत सारे कार्यक्रम सारे क्षेत्रों में भी चल सकते हैं। और मथुरा वृंदावन में तो बहुत संभावनाएं हैं आप लोग वहाँ पे अच्छा कार्यक्रम आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा लगा शर्मा जी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना की तृतीय किस्त आपके पास आपके खाते में जा रही है आप सबको बहुत बहुत बधाई। सर जी आपको बधाई आपने हमारा घर बनवा दिया धन्यवाद। तो पहले की सरकारें पूछ ही नहीं देती थी या अगर योजना आती भी थी तो कुछ लोग हड़प जाते थे गरीब को उसका लाभ ही नहीं मिल पाता। आज तो गरीब को ढूंढ ढूंढ करके योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। गाजियाबाद नमस्ते बानो खातून जी कैसी हैं आप? नमस्ते नमस्ते आपका मकान बन गया? बोलो बोलो मकान बन गया बन लिया मकान बन गया कहाँ जा रही है? ठीक है बहुत सुंदर। आपने अभी अभी कितना पैसा आपको मिला है? 2,00,000 मिला। 2 मिल गया है 50,000 आ जा रहा है आपके खाते में आज मिलेगा। हाँ इस पैसे का उपयोग करके मकान को पूरा बना देंगे ना। ठीक है परिवार में कौन कौन लोग हैं? सात जने हैं। अच्छा सुंदर है बच्चों को पढ़ा दे रहे हैं। हाँ ठीक है बच्चों को पढ़ा दे रहे हैं पढ़ते हैं। ये महामोर को कभी बुलाए भी अपने घर में भी नहीं बुलाए बुलाएंगे जब मकान बन जाएगा तब बुलाएंगे हैं आपको बुलाएंगे नहीं मैं भी आऊंगा महामोर जी जाएंगे तो उनके साथ मैं भी आ जाऊंगा।
ये महापौर जी गई थी आपके घर में कि नहीं गई थी? गई थी। ठीक है, अच्छे ढंग से अपना मकान बनाइए और बच्चों को स्कूल जरूर पढ़ाइए। दूसरा, आपको जो है शहरी क्षेत्र में महिला आजीविका समूह के साथ जुड़ करके स्वयं भी कुछ ना कुछ आमदनी का कार्य कर सकती है। इनको नगर निगम के द्वारा जो नगरीय आजीविका मिशन है उसके साथ जुड़ना चाहिए। महिलाओं बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ जुड़ सकती हैं और उसमें सभी महिलाएं स्वावलंबन की तरफ आगे बढ़ सकती हैं। अगली कार्यवाह में अगली लाभार्थी होंगी रामवती जी। नमस्ते सर। हाँ राम राम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ सर। आपका मकान बन गया? हाँ सर, बन गया मकान। बन गया है। परिवार में कितने लोग हैं आपके? परिवार में तीन बेटी एक बेटी। उन बच्चों ने पढ़ा भी है? बच्चे मेरे, उनके बच्चे हैं, वो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे मेरे सयान हैं। अच्छा। 26 और 30-30 40-40 साल के हैं मेरे बच्चे। अच्छा अच्छा। उनको काम करते भी हैं? हाँ करते हैं सर। आपको भी कुछ पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को देखिए, आज एक पूरा पक्का मकान आपका बन रहा है। ये 50,000 की अंतिम किस्त आपके पास आ रही है। देखिए, ये उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए आवास की सुविधा दी है। शहरी क्षेत्र के लोगों को पहली बार इस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो रही है, इसका लाभ आप लोग ले सकते हैं। तो आपको भी और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। अयोध्या अयोध्या जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? प्रियंका पांडे जी कैसे हैं? आपको आवास का लाभ मिल गया है? अयोध्या से बोल रहे हैं ना? अयोध्या से। आपको आवास का, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आपके खाते में जा रहा है? पहुंच गया है ना? ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छे ढंग से मकान बनाइएगा। 1.5 लाख रुपया जा रहा है आपके अकाउंट में। हाँ, तो ये पैसे का उपयोग मकान बनाने में ही करिएगा, किसी और कार्य में मत करिएगा। धन्यवाद तो मुझे भी दीजिए, प्रधानमंत्री जी को भी दीजिए, अपने जनप्रतिनिधियों को दीजिए, जिनके सहयोग से पैसा आप लोगों के खाते में जा रहा है। लेकिन इस पैसे का उपयोग मकान बनाने में ही करिएगा। ठीक है, बहुत सुंदर। अपने विधायक जी को भी दे दीजिए और अपने सांसद जी को भी धन्यवाद दे देना। चलिए, बहुत बहुत बधाई। अयोध्या में ही गुलाब कली जी हैं। अयोध्या जय श्री राम। कैसे हैं आप गुलाब जी? आपको मकान का पैसा आ गया आपके खाते में? इसे मकान ही बनाएंगे ना? मकान बना के भी है। तो अब ये मकान पे पैसा खर्च होगा कि तौर पर खर्च हो जाएगा? मकान
हाँ तो मकान बनाएगा। देखिए पिछली बार में आया था अयोध्या में, एक लाभार्थी को पैसा मिला था, उसने मुझे अपने घर भोजन पे बुलाया था। बाद में महावीर हरिजन नाम का जो व्यक्ति था ना अयोध्या का, वहाँ पर अयोध्या में गरीब के ही घर गया था, जब उसका अपना आवास बन गया था, आपने देखा होगा पूरे टेलीविजन में चल रहा था उस समय। और इस बार आपको मिला है आवास, आपका भी जब आवास पूरा हो जाएगा, पैसा पूरा आपके खाते में जाएगा, आवास बना देंगे तो जरूर हमको कहेंगे। महापौर जी को ही बुलाइए, विधायक जी को ही बुलाइए, सांसद जी को ही बुलाइए, मंत्री जी को ही बुलाइए, और फिर उनके साथ मैं भी आ जाऊंगा आपके घर में। परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके यहाँ? आठ लोग हैं। आदमी क्या करते हैं आपके? अच्छा अच्छा और बच्चे? अच्छा तो उसको उसको उसकी उम्र क्या कितनी है, जो जो दिव्यांग है उसकी उम्र क्या है? अच्छा तो उसका थोड़ा सर्टिफिकेट वगैरह बना दीजिए, उसको हम दिव्यांग जो है पेंशन भी उपलब्ध करवाएंगे। राशन कार्ड, ये रसोई गैस का सिलेंडर, ये सभी सुविधा आपके पास है या नहीं है? ये सब मिल गया ना सब? आप देखिए अयोध्या में तो भगवान राम का बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। हाँ देखिए बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को कि आवास सुविधा का लाभ आज आपको प्राप्त हो रहा है। द्वितीय किस्त भी डेढ़ लाख की आपके खाते में जा रही है, और इससे मकान ही बनाइएगा। अयोध्या के सभी लाभार्थियों को मेरी बधाई। सहारनपुर देखिए बधाई आपको बहुत बहुत बधाई। सहारनपुर, सहारनपुर से आप बोल रही हैं दर्शन देवी जी, जय शाकंभरी मैया की। लेकिन शाकंभरी मैया का धाम है सहारनपुर तो, और आपका नाम दर्शन देवी है, तो आपके दर्शन हो जा रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपका आवास बन रहा है? ठीक है। हाँ आवास आपका बन रहा है, आवास आपका बन रहा है, आवास। हाँ जी मंत्री जी बनेगा। बन गया ना? हाँ जी बन गया। ये अंतिम किस्त 50,000 की थी, आपके खाते में जा रही है। अच्छा आवास बनाइएगा, और आवास बनाने के बाद फिर अगर हम लोगों को बुलाएंगे तो हम लोग जरूर आएंगे वहां फिर आपकी आवास पे। आपको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप पड़ोसों जी? आपका मकान लग गया? आपके अंतिम किस्त का पैसा जा रहा है आज आपके बैंक अकाउंट में? लास्ट किस्त आ चुकी है। आ गई है ना? मकान के लिए पैसा तो मकान पे ही खर्च हो रहा है, ये पैसा मकान में ही खर्च हो रहा है कि कहीं और जगह आपने खर्च कर दिया है? मकान में लग गया है, मकान बन गया है। परिवार में और कौन कौन लोग हैं? परिवार में और कौन कौन लोग हैं? ठीक है बहुत सुंदर, सभी बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है बहुत सुंदर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी
के लाभार्थियों को आज एक साथ डीबीटी के माध्यम से धनराशि को उनके बैंक अकाउंट तक पहुंचाने के इस कार्यक्रम में गोरखपुर में मेरे साथ उपस्थित नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, माननीय सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल जी, श्री विपिन सिंह जी, श्रीमती संगीता यादव जी, श्री शीतल पांडे जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री दीपक कुमार जी, आयुक्त गोरखपुर मंडल श्री जयंत नाम्बिकर जी, जिलाधिकारी गोरखपुर श्री विजेंद्र पांडेय जी, निदेशक छोटा सुमेश प्रताप सिंह जी, विभिन्न जनपदों में हमारे साथ जुड़े हुए प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, महापौरगण, माननीय विधायकगण और प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर 3,42,322 से अधिक लाभार्थी जो आज प्रधानमंत्री आवास योजना की इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले नगर विकास को समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से बधाई देते हुए जितने भी लाभार्थी आज इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं उन सबको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त होने के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। आप सब की प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। देखिए, हम कभी नारा सुना करते थे रोटी कपड़ा और मकान देने के वायदे आजादी के बाद से चलते रहे, लेकिन इन नारों को हकीकत में बदलने का कार्य अगर किसी ने किया, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये सभी जो नारे थे हकीकत में बदलते हुए दिखाई दिए और आज उसी का परिणाम है कि हर व्यक्ति को मकान की गारंटी, हर व्यक्ति को आजीविका की गारंटी और हर व्यक्ति को रोटी की गारंटी आज केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के दे रही है। आप अनुमान कर सकते हैं कोरोना काल में जब पूरी दुनिया मस्त है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक ताकत अमेरिका है, अमेरिका के अंदर आप देखते होंगे, रोज समाचार सुनते होंगे 35 करोड़ की आबादी का अमेरिका, और अमेरिका में अब तक 4,00,000 से ज्यादा मौतें कोरोना से हो चुकी है, लाखों लोग संक्रमित हैं, सरकार हिम्मत हार चुकी है, लेकिन उसके ठीक विपरीत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने और उत्तर प्रदेश ने बेहतर सफलता प्राप्त की। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा 24 करोड़ की आबादी का प्रदेश उत्तर प्रदेश है और 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में अमेरिका में 33 करोड़ की आबादी और वहां पर मरने वालों की संख्या 4,00,000 और उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी में कुल मौत 8,500, यानी हमने जान को भी बचाया है और लोगों की आजीविका के साथ साथ उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य करके जान को भी बचाया है। ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि जनता ने अपार समर्थन और आशीर्वाद केंद्र और प्रदेश सरकार को दिया है। आज इसका लाभ हर एक तबके के लोगों को प्राप्त हो रहा है। आप सोच सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का स्थान 26वें 27वें स्थान पे था। क्या कर रही थी सरकारें?
योजना सत्रों की बात चली, ऐसा नहीं। प्रदेश में सरकार में आने के पहले हम लोग जब 2017 में सत्ता में आए तो उस समय इस योजना का लाभ प्रदेश के लोगों को नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने योजना का लाभ 2017 में आने के साथ प्रारंभ किया और प्रारंभ करने के साथ ही जब हम लोगों ने इस स्तर पर कार्य किया तो प्रदेश के अंदर चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो या शहरी हो, इन दोनों योजनाओं में अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लगभग 40 लाख लोगों को अब तक हम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दे चुके हैं, जिसमें अब तक आप देख सके हैं 16,82,000 से अधिक लोगों को केवल नगरीय क्षेत्रों में हम इस आवास योजना का लाभ दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 23 लाख से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ उपलब्ध करा चुके हैं, यानी 40 लाख लोगों को मात्र 3 वर्ष के अंदर बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। इसमें किसी को सिफारिश नहीं करनी पड़ी, इसमें किसी को भी योजना का लाभ के लिए कहीं किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ी, किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी इस योजना के बारे में कहीं इंतजार नहीं करना पड़ा। ईमानदारी के साथ चयन की एक प्रक्रिया और उस प्रक्रिया के अंदर हर एक लाभार्थी को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्यक्रम बनाया गया और आज उसका परिणाम है कि आज एक साल 3,42,000 से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त, जिसमें 1,24,781 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें प्रथम किस्त जा रही है प्रधानमंत्री आवास योजना की, यानी इतने लाभार्थी पहली बार इस आवास को प्राप्त कर रहे हैं। 69,790 परिवारों को द्वितीय किस्त उपलब्ध कराई जा रही है और 1,47,751 लाभार्थियों को तृतीय किस्त भी उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है, यानी एक साथ इतने लाभार्थियों को इन योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का कार्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे किसी का प्रथम किस्त का, किसी का द्वितीय किस्त का, किसी का तृतीय किस्त का, ये पैसा लाभार्थियों को प्राप्त किया जा प्रदान किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में हम लोग 2,50,000 रुपए की सहायता प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दे रहे हैं। ये 2,50,000 की सुविधा जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,50,000 भारत सरकार देती है और 1,00,000 प्रदेश सरकार दे रही है, और इस योजना से चयन की प्रक्रिया भी बहुत साफ है। शहरी क्षेत्रों में जिसके पास अपनी जमीन है, ऐसे सभी लाभार्थियों को जिनकी आय सालाना 3,00,000 से कम है, वे प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा की पात्रता रखते हैं। अगर उनके पास जर्जर मकान भी है, उन्हें सुविधा का लाभ दिया जा सकता है। और देखते ही देखते चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हो, 16,00,000 से अधिक लाभार्थी एक साथ प्रदेश के अंदर इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, यानी हमने मतदान देने की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर पूरा करने का प्रयास किया है। 2022 तक हमारा लक्ष्य है उस हर परिवार को जिसके पास अपना आवास नहीं है उसे एक एक आवास उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। आज प्रदेश में बड़े पैमाने पर आवास उपलब्ध कराने का जो कार्यक्रम उपलब्ध हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहा था और मैंने देखा आपके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। वे लोग एक नए उत्साह के साथ अपने को वहां पर प्रस्तुत कर रहे थे। क्या खुशी उनके अंदर थी, ये खुशी पहले भी आ सकती थी। आखिर इन योजना वाला पहले गरीबों को क्यों नहीं प्राप्त हो पाया, पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन पहले गरीबों के बारे में क्यों नारे रखते थे। गरीबों को शासन की सुविधा का वास्तविक रूप से मिल सके इसके बारे में चिंता ही नहीं थी।
और यही कारण था कि गरीब केवल सरकारी राजनीतिक दबों के नामों तक सीमित होकर के रह गया था। आज आप देख रहे हो कि हर एक गरीब को शासन प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, चाहे वह उज्ज्वला योजना में निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन का हो, चाहे वह सौभाग्य योजना में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन का हो, चाहे वह गरीब कन्याओं की शादी के लिए सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना का है, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना का है, आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का लाभ, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा प्रत्येक गरीब परिवार प्रदेश के अंदर ले सकता है, इसके लिए उन्हें गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने का कार्य हो, या फिर साप्ताहिक रूप से सौभाग्य साप्ताहिक मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के माध्यम से हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर लाभार्थी कोई भी प्रदेश का नागरिक स्वास्थ्य का निःशुल्क लाभ ले सकता है, स्वास्थ्य की सुविधा का प्रत्येक योजना का लाभ ले सकता है, पोषण की जो योजनाएं हैं उनका लाभ ले सकता है। ये कार्य पहले ही हो सकते थे, लेकिन गरीब जिसके जिन लोगों के राजनीतिक एजेंडे में नहीं था, वे कोरे नारे देते थे, कोरी घोषणाएं करते थे और कोरे नारे और कोरी घोषणाओं के माध्यम से केवल बहकाने का कार्य करते थे। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी देश के अंदर आवास उपलब्ध कराने में पूरे देश के अंदर जो प्रदेश 2017 के पहले 27वें नंबर पे था, आज वो पहले नंबर पर है। जो प्रदेश 2017 में नगरीय क्षेत्र में आवास उपलब्ध कराने में कहीं उसका स्थान ही नहीं था, आज वह पहले स्थान पर देश के अंदर है। ये प्रदेश के अंदर एक तीन वर्ग का परिणाम है और जनप्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयास से आम जनता के कल्याण के लिए की गई योजनाओं को समयबद्ध घोषणाओं का परिणाम है कि आज उन सभी लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। मेरे अपने अधिशासी अधिकारीगण हैं, महापौर हैं, चेयरमैन हैं, माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, जिले के हमारे अधिकारीगण हैं, जिलाधिकारी मंडलायुक्तगण, इन सभी से मैं इस बारे में अपील करूंगा, ये जो धनराशि दी जा रही है, जिन्हें पहली किस्त दी जा रही है या जिन्हें दूसरी किस्त दी जा रही है, जिन्हें तीसरी किस्त दी जा रही है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो पैसा जिस कार्य के लिए मिला है वो पैसा उसी पे खर्च हो। जिन्हें पहली किस्त मिल रही है उन लोगों के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि समय से वहां पे राजमिस्त्री उन्हें उपलब्ध हो जाए, उन्हें मार्केट में दाम जो भी बाजार से सीमेंट है, छड़ है, बालू है, ईंट है, इन्हें खरीदना पड़ता होगा। हमें नोडल अधिकारी तैनात करके व्यवस्था देनी चाहिए कि कोई भी इन्हें महंगे दाम पर न देने पाए, सस्ते दाम पर, सही दाम पर इन्हें लोग ये सभी वस्तुएं उपलब्ध करा सके, इसके लिए प्रयास हमें उपलब्ध अपने स्तर पर करना चाहिए। दूसरा हमारा प्रयास ये भी होना चाहिए कि हम इसकी साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। जिन्हें आवास का लाभ दिया जा रहा है, लोग आवास बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, पैसा उसी पे खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर उस पे खर्च नहीं हो रहा तो हम उससे लगातार काउंसलिंग करके उस पैसे को उसी कार्य पे खर्च करवाने की व्यवस्था करें। जिन्हें द्वितीय किस्त मिल रही है उनकी पहली किस्त की समीक्षा के बाद दूसरी किस्त जा रही है, समयबद्ध ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, और जिनके कार्य द्वितीय किस्त में भी पूरे हो चुके हैं समय से उनको तीसरी किस्त उपलब्ध करा देना। कार्य रुकना नहीं चाहिए, पैसा आएगा, जरूर पैसा आपके पास आएगा। तो जहां ये आवास योजना एक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के माध्यम बनेंगे, वही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हरेक आवास के साथ शौचालय भी बनना है। ये शौचालय ये केवल स्वच्छता का ही प्रतीक नहीं, एक नारी गरिमा का प्रतीक भी है और स्वस्थ जीवन जीने के एक नागरिक के अधिकार, उसके उसका जो स्वाभाविक अधिकार है उस अधिकार के साथ भी ये जुड़ता है, और स्वास्थ्य उसके स्वास्थ्य को भी, यानी उसके लिए स्वयं स्वस्थ रहने के लिए भी आवश्यक है कि वो खुले में शौच से अपने को रोके।
आप सोचे कि 40 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध होना, ये उसी कड़ी का हिस्सा है। और मुझे प्रसन्नता है हर एक गरीब, हर एक नागरिक केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ जुड़ करके इन योजनाओं का सफलतापूर्वक लाभ ले रहा है और इस योजनाओं के माध्यम से हर एक के जीवन स्तर में व्यापक सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आज के इस अवसर पर जो भी लाभार्थी हैं, उन सभी लाभार्थियों के घरों में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम सौजन के पेड़ लगाने की कार्रवाई करें। दूसरा, ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयंसेवी समूह के साथ ऐसे परिवारों को जोड़ करके उनके रोजगार की कुछ ना कुछ व्यवस्था हमें करनी चाहिए, जिससे परिवार स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सके। हम शहरी क्षेत्रों में भी शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से इन गरीब परिवारों को किसी न किसी कार्य के साथ जोड़े। दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी प्रकार की लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ इन गरीबों को प्राप्त हो और इन लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ इन गरीबों को प्रदान करने के इस कार्यक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि हमें ईमानदारी के साथ चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके इन सभी लोगों को जो भी लाभार्थी हैं उन सबके जीवन में व्यापक परिवर्तन करना चाहिए। देखिए, लाभ एक व्यक्ति पाएगा तो उस मोहल्ले के 10 लोगों को इसका संदेश जाएगा। ये जो धनराशि आज उपलब्ध हो रही है 2409 करोड़ रुपए की, एक बड़ी धनराशि आज डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जा रही है। आप देख सकते हैं यही अंतर है। जनधन अकाउंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ खुलवाया, क्योंकि इस अकाउंट से एक जगह हमने क्लिक किया और इन सभी 3,42,322 लाभार्थियों के खाते में उनकी किस्त उनके खाते में चली गई। आज जो समय नहीं है जो पहले होता था, पिछली सरकारों के समय क्या होता था, अकाउंट नहीं थे, उसके बाद तमाम लोग झोला लेकर के वसूली करने के लिए निकलते थे, गरीब को पैसा नहीं मिल पाता था, कुछ लोगों के जेब में पैसा चला जाता था। और स्वर्गीय राजीव गांधी जी बोलते थे कि कांग्रेस की संस्कृति क्या थी, सपा बसपा की संस्कृति क्या थी, गरीब के लिए 100 रुपया स्वीकृत होता था, 15 रुपया ही वहां तक पहुंचता था, 85 रुपया बीच में ही दलालों की जेब में, घोटाले वालों की जेब में चला जाता था। आज तो हमने एक साथ क्लिक किया जिसके लिए 1 लाख रुपए की किस्त है वो 1 लाख उसके खाते में गई, जिसके लिए 1.5 लाख की किस्त है वो 1.5 लाख उसके खाते में गई, जिसके लिए 50,000 की किस्त है वो 50,000 उसके खाते में गई, यानी कि पूरी की पूरी राशि उसके अकाउंट में जा रही है। और सभी लाभार्थियों से मैं कहूंगा, कोई व्यक्ति किसी को भी पैसा कतई न दे किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए, और अगर कहीं से भी कोई पैसे की शिकायत करती है तो अपने विधायक को, अपने सांसद को उपलब्ध कराइए, मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराइए, सीएम हेल्पलाइन से आप बताइए, आईजीआरएस पोर्टल में अपनी शिकायत दर्ज करिए। आप देखना पैसा देने वाला व्यक्ति उसकी पूरी संपत्ति को हम जब्त करवा करके और इतनी सख्त कार्रवाई और ये कार्य पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ गरीब को उसका हक मिलना ही चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की यही इच्छा है और इसी लक्ष्य के साथ ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। मैं नगर विकास मंत्री को, मेरे साथ यहाँ पर आशुतोष शर्मा जी हैं, हमारे नगर विकास के राज्य मंत्री श्री महेश गुप्ता जी भी इसके साथ वर्चुअल जुड़े हुए हैं, हमारे तमाम माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सही मेरे सहयोगी मंत्रीगण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इन सबको भी मैं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। और गरीबों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इन सबको धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का गरीबों के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय शहरी और आवासन विकास के मंत्री श्री हरदीप पुरी जी का भी, जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में योजनाओं में रुचि लेकर के कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और प्रदेश के 3,42,000 से अधिक उन सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लाभ
प्राप्त हो रहा है, आप सबका मंगलमय जीवन हो इस विश्वास के साथ इन योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हो, आपका अपना घर हो और उस घर के माध्यम से आप अपने परिवार को स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सके इस विश्वास के साथ आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और अब रिंकी आ रही है, इनके भी सपनों को साकार किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने। इनके घर के प्रवेश की इजाजत चांदी के द्वारा आप सब परिवार में एक छत के नीचे जब सब रहते हैं, मकान बन रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पैसा तो नहीं मांगा था ना। इधर सामने देखिए, सामने सारे लोग आ गए। और अब इस ग्रुप फोटोग्राफ के बाद विधिवत